बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या गंदम में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल जो है ये कोई फ़ायदा देता है। इसी तरह अमाइनो एसिड है, रूट स्टिमुलेंट्स वगैरह या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ें जो हैं ये सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, क्या इनका इस्तेमाल ज़रूरी है या नहीं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि जब ज़मीन नॉर्मल और सेहतमंद हो ना, और पानी भी मौजूद हो और मतवादन खादें डाली गई हों, तो पौधे के अंदर जो ना ऑटोमेटिकली ये जिब्रेलिक एसिड भी पैदा होता है, ग्रोथ हार्मोन पैदा होते हैं, और अजाफी तौर पर ये कोई अमाइनो एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट या ग्रोथ स्टिमुलेंट डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो सारे काम जो है ना, जब मैदा ठीक हो ना तो कोई अजाफी दवाइयाँ लेने की या इधर उधर की चीज़ें टाफियाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब जो बंदा मतवादन खुराक डाल ही नहीं सकता, बल्कि अक्सर लोग नहीं डाल सकते, इस वजह से जो ये जो चीज़ें हैं ना, इनका थोड़ा सा रोल बनता है। फिर छोटे छोटे सहारे ढूंढते हैं। अगर नाश्ता ना किया हो तो आपको पता है दोपहर तक बच्चे जो है ना कई किस्म के टाफियाँ, पापड़, बिस्किट वगैरह ये जो है ना वो तलाश करते फिरते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना गंदम के हवाले से जब मतवादन खुराक नहीं ना डाली जाती, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी मददगार ज़रूर साबित होती हैं। देखें, जिब्रेलिक एसिड हो या रूट स्टिमुलेंट है, अमाइनो एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ना एक फैक्ट हैं, इंटरनेशनल फैक्ट हैं, और इनके इस्तेमाल से पैदावार तो ज़्यादा होती है। कंपनियों के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, और अक्सर कंपनियों के पास ये दो नंबर चीज़ें मौजूद हैं, बाद के पास अच्छी चीज़ें भी हैं, इसलिए इनको शौकिया तौर पर डालने की ज़रूरत नहीं होती। तवज्जो करें खाद की तरफ। ये देखें ना, एक बंदा रोटी पूरी खाई ना हो तो इधर उधर की कभी चाय पी ली, कभी टॉफी खा ली, इनसे ये बात नहीं बनती। देखें, जो काश्तकार ड्रिप इरीगेशन पे से काम करते हैं, पिवट सिस्टम है उनका, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो इससे काश्त फसलें काश्त करते हैं, गंदम भी इससे हो जाती है, तो उसमें ये सारे चौंचले जो है ना उनके हैं असल में। अब देखें, अरबी ममालक जो है वहाँ पे ये चलता है सिस्टम, पिविटल सेंट्रल पिविटल सिस्टम जो है, इससे आपपाशी की जाती है, उसके अंदर सारी चीज़ें डाली जाती हैं, ग्रोथ हार्मोन भी डाले जाते हैं, खुराक भी एनपीके भी डालते हैं, अमाइनो एसिड भी डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। तो इस तरह है मामला कि अगर खुराक पूरी ना डाली गई हो तो फिर इनकी जो है ना मदद जो है ना मिल सकती है, ऐसे ही जिब्रेलिक एसिड डाल के जो है ना गंदम को नुकसान ना पहुँचा बैठना।